आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक न्यू प्रॉब्लम। लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे क्विक सॉर्ट फॉर द लिंक लिस्ट, एंड आज हम लोग देखने जा रहे हैं फाइंड द मिडिल एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट। एंड ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। हम लास्ट के एक वीडियो में हम बता चुके थे जैसे इस वीडियो में कि हाउ टू डिटेक्ट लूप इन द लिंक लिस्ट, और ये क्वेश्चन भी उसी मैनर पे बनेगा हेयर एंड टॉर्टोइज मेथड से। हम लोग किसी भी लिंक लिस्ट का मिडिल एलिमेंट निकाल सकते हैं, एंड ये प्रोसेस हम लोग एरे में भी यूज कर सकते हैं, जबकि वो उसको एक जब भी वो एक लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं ये हेयर एंड टॉर्टोइज मेथड। सो क्या है हेयर एंड टॉर्टोइज मेथड, हम लोग इस वीडियो पे देखते हैं। सो यहाँ पे एक हम लोग को लिंक लिस्ट दिया हुआ है, ये एक एरे भी हो सकता है जो भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए। और हेयर एंड टॉर्टोइज मेथड क्या है कि हम लोग दो पॉइंटर लेते हैं और दोनों को पॉइंटर का में से एक होता है हेयर, यानी कि जिसका हेयर का स्पीड हम लोग फास्ट रखते हैं, यानी दूसरा स्पीड हम लोग ज़्यादा रखते हैं दिखा था टॉर्टोइज, यानी दूसरा स्पीड हम लोग स्लो रखते हैं। तो एक पॉइंटर जो है सर एक मूव करेगा, यानी कि जब एक पॉइंटर एक बार मूव करेगा तो जो हेयर है वो दो बार मूव करेगा, यानी कि हेयर का स्पीड फास्ट हो गया और टॉर्टोइज का स्पीड स्लो हो गया। तो एक पॉइंटर का स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा एक स्टेप से, और एक पॉइंटर का जो स्पीड वो एक स्टेप से ज़्यादा रहेगा, मतलब जब एक पॉइंटर जो फास्ट है वो मूव करेगा एक बार में दो स्टेप। मतलब अगर इनिशियली अगर फास्ट को हम लोग वन पे रखते हैं देन जो फर्स्ट स्टेप होगा तो वो डायरेक्ट वन से थ्री मूव कर जाएगा, वही अगर जो टॉर्टोइज है वो सीधा वन से टू में मूव करेगा। तो यही होता है हेयर एंड टॉर्टोइज मेथड। सो ये क्वेश्चन हेयर एंड टॉर्टोइज मेथड आसान से सॉल्व हो सकता है क्योंकि मिडिल एलिमेंट हम लोग को फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी ऐसा हो कि जब हम लोग हेयर और टॉर्टोइज को रखते हैं यानी कि फास्ट एंड स्लो पॉइंटर, तो अगर हम लोग इनिशियली हेयर को यहाँ पे रख दें और जो टॉर्टोइज वन पे रहता है देन क्या होगा कि एट स्टार्टिंग वो यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, लेकिन टॉर्टोइज यहाँ से यहीं मूव करेगा फर्स्ट स्टेप में, लेकिन वही हेयर जो है यहाँ पे रहेगा। एंड ऑन द नेक्स्ट स्टेप जब वो यहाँ से नल पे चला जाएगा तब जो टॉर्टोइज मिड पॉइंट पे रहेगा। ये हमेशा ये कॉन्सेप्ट ऑलवेज वैलिड रहता है, यानी कि जब भी हेयर जो है नल को अप्रोच कर चुका रहेगा तब हेयर जिस तब टॉर्टोइज जिस पोजीशन पर रहेगा वही उसका मिडिल पोजीशन होगा। इस केस में वही है जब हम लोग हेयर यहाँ पर इनिशियली टू पे पॉइंट करते हैं हेयर को और टॉर्टोइज जो है सो वन पे रहता है, यानी कि फास्ट पॉइंटर को हम लोग टू पे रखते हैं और स्लो पॉइंटर जो है इनिशियली वन पे रखते हैं, हम लोग ऐसे सपोज किए हुए हैं। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं वाइल्ड लूप को मूव करना, ये एरे में भी कर सकते हैं। सो जब फर्स्ट टाइम क्या होगा टू से फोर मूव हो जाएगा फास्ट पॉइंटर एक ही स्टेप में, वही जो है मेरा स्लो पॉइंटर है वो एक बार में वन से टू में आएगा। नेक्स्ट टाइम वो जो है सो फोर से लेकर सिक्स में मूव कर जाएगा, लेकिन वो जो है सो क्या बोलते हैं फास्ट पॉइंटर जो है सो तुम्हारा वो थ्री पे ही आएगा, स्लो पॉइंटर सॉरी। सो स्लो पॉइंटर जो है सो टू से थ्री में आएगा, एंड नेक्स्ट टाइम जब वो सिक्स से नल पे मूव कर जाएगा देन जो स्लो पॉइंटर जो है सो वो जो है सो फोर पे आके स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अब नल से हम लोग मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ऐसा कंडीशन लिख देंगे वाइल लूप में कि नल के बाद हम लोग फर्दर हम लोग उसको फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सो यही अप्रोच होता है हेयर एंड टॉर्टोइज का, एक पॉइंटर को हम लोग फास्ट मूव करवाते हैं एक पॉइंटर को स्लो, एंड अल्टीमेटली हम लोग को जो मिलता है वो एक मिडिल पॉइंट मिलता है, जब भी हम लोग का जो स्लो पॉइंटर वो जिस पोजीशन पर रहता है वो अल्टीमेटली एक मिडिल पोजीशन पे रहता है। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और ये हमेशा वैलिड होगा जब भी कोई लिनियर डेटा स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल अगर एरे है या फिर अगर वो लिंक्ड लिस्ट है ये हमेशा वैलिड रहेगा। इवन इफ अगर हम लोग किसी भी स्ट्रिंग का अगर मिडिल पॉइंट फाइंड करना है तो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग दो पॉइंटर लेते हैं फास्ट एंड स्लो। फर्स्ट पॉइंट स्लो पॉइंटर को हम लोग बोले थे जैसे कि उसको हेड पर पॉइंट करते हैं, वही अगर जो मेरा फास्ट पॉइंटर है उसको हम लोग हेड के एक स्टेप आगे रखते हैं। ओके एंड फिर सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे इसमें कि वाइल लूप के थ्रू हम लोग उसमें आइटरेट करेंगे, एंड हम लोग का कंडीशन ये रहेगा कि जब भी फास्ट हो उसे नल ना हो फास्ट, वाइल जब तक फास्ट नल नहीं तब तक हम लोग उसको मूव करेंगे। फास्ट एक बार में दो स्टेप मूव करेगा, यानी कि जब फर्स्ट टाइम मूव करेगा देन इट्स ओके फास्ट इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट, बट जब हम लोग नेक्स्ट टाइम मूव करेंगे फास्ट इक्वल्स टू फास्ट का नेक्स्ट, बट जब हम लोग नेक्स्ट टाइम फास्ट मूव करेंगे तो हम लोग ये चेक करेंगे कि कहीं फास्ट नल में तो नहीं है, तो फिर नेक्स्ट नल का नेक्स्ट इज नॉट अ वैलिड एंड इट विल फिर वो एक एरर शो कर देगा। सो हम लोग चेक कर लेंगे इफ फास्ट यानी कि फास्ट जो है नल तो नहीं है देन हम लोग फिर से एक बार फास्ट मूव कर देंगे, एंड स्लो तो हमेशा एक ही स्टेप मूव करेगा, एंड एट लास्ट जिस पोजीशन पर स्लो होगा उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे, स्लो ही हमेशा मिडिल पॉइंट होगा। यही होता है हेयर एंड टॉर्टोइज। आप लोग हेयर को एज ए फास्ट पॉइंटर बिहेव कर सकते हो एंड टॉर्टोइज को एज ए स्लो पॉइंटर, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज वैलिड फॉर एनी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर फॉर लाइक एरेज इन लिस्ट एज वेल एज स्ट्रिंग। सो लेट मी सबमिट द कोड।
As you can see, it is accepted.